नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं घर से ही। और यहाँ का माहौल जो देखिए, बारिश हुई है। दो दिन से दिल्ली में बारिश हो रही है काफ़ी। हमारी पूरी गली में हल्का हल्का पानी भरा हुआ है। मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है, इसलिए आज मैंने जो है शर्ट पहन रखा है। ऐसे जनरली मैं जो है टी शर्ट पहनता हूँ। चलिए चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। ये अभी आया नहीं है तो वर्कशॉप जो है मुझे ही ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए वर्कशॉप खोलते हैं पहले। तो दोस्तों, वहाँ पर एक क्लाइंट आए हैं, उनके गर्दन पे एक पैच है, वाइट पैच है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हमें हाइड करना है टैटू से, और तो उसके लिए इन्होंने जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया है वो ये डिज़ाइन है। उनको बटरफ्लाई चाहिए था, तो इसको हम बनाएंगे आज और कवर अप करेंगे। तो टाइट मत रखिए, ढीला रखिए, ठीक है। दोस्तों, हमने प्लेसमेंट कर दिया है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। बिल्कुल करेक्ट प्लेसमेंट हुई है। अब इसको हम बनाते हैं, करें शुरू। नहीं, फेस नहीं आ रहा, और आएगा भी तो ब्लर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पेन होगा, बजाज तो करना होगा, ठीक है। ठीक है, चलेगा। हो गया। मैं पूछ के आप दुखवा दे रहे हो। तो दोस्तों, ये टैटू कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं कि फाइनली इसका क्या रिजल्ट आया है।
तो दोस्तों वहाँ पर नए क्लाइंट आए हैं और इनको एक पीकॉक फैदर का टैटू बनाना है, हैंड पे बनाना है, और डिज़ाइन जो है इन्होंने ये वाला सिलेक्ट किया है। तो ये डिज़ाइन इनके हैंड पे बनाना है, स्टेंसिल बना के फिर प्लेस करते हैं। फाइनली ये टैटू कंप्लीट हो गया है, देखिएगा कैसा रिजल्ट आया है और आपको ये टैटू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों छुट्टी का टाइम हो गया है, टैटू का भी कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं हम लोग। चलो भाई विजय, बाहर बारिश का माहौल है, बारिश हो रही है, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मेरा तो 2 मिनट का रास्ता है, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन विजय के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि विजय को काफ़ी दूर जाना होता है। देखिए बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, मेरी बाइक भी जो है भीग रही है। तो जी मैं घर आ गया और देखे घर में कौन क्या क्या कर रहा है। अरे बेटी तो मेरा नया ब्लॉग देख रही है, तो भी रिसेंटली अपडेट हुआ है, विशाल गेम खेल रहा है। सबसे पहले किचन में हमारी देवी जी खाना बना रही है, क्योंकि जब मैं वर्कशॉप से आता हूँ तो उसी टाइम ताज़ा खाना बनाती है। देखो आटा गूंद के रखा हुआ है और चूल्हा जला हुआ है। क्या बना रही? अंडा। भाई ऑमलेट बन रहा है और आज रोटी और ऑमलेट बने खाएंगे हम लोग। तो यही होता है रोज रात को जब मैं घर पे पहुंचता हूँ तो हमारी देवी जी ताज़ा ताज़ा खाना बना के खिलाती है। देखो कितना प्यार करती है हमारे से, कितना ख्याल रखती है। क्यों प्यार नहीं करती? थोड़ा शर्माती है। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।